स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो 11 बजे का टाइम हो चुका है और जैसे कि एज यूजल आजकल मैं लेट ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे नहीं हो पाता ब्लॉगिंग करना क्योंकि छोटी छोटी बच्ची है मेरे पास जैसे कि आपको पता है, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। उसको मालिश करना, तेल लगाना, घर का चिकू को स्कूल भेजना। सुबह 6 बजे से 5 बजे से मैं उठती हूँ, तब से उठी हूँ। तो आज हम सोच रहे थे कुछ चैलेंज करने की, जैसे मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था, आज सोच रहे हैं कुछ चैलेंज करने की। देखते हैं क्या हम कौन सा चैलेंज करने वाले हैं। माई खरबूजा चैलेंज, तरबूज चैलेंज करने वाले हैं आज हम। और चैलेंज करेंगे महेंद्र और मेरी ननद जो है दीपा, वो दो जने चैलेंज करेंगे। और तो देखते हैं आप लोगों को, आई होप कि पसंद आएगा। और इसीलिए कुछ अलग करने का मन था तो मैंने सोचा चलो ये करते हैं। और फिलहाल आज दिन के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आज मेरी ननद की भी छुट्टी है, तो मैं दिल के लिए बना रही हूँ ये चाउमिन। चाउमिन के लिए मैंने यहाँ पे जो है नूडल्स, जो चाउमिन नूडल्स होते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग उसको, मुझे एग्जैक्ट सच बताऊँ तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मुझे बोलने भी नहीं आते, तो वो मैं अभी बॉईल कर रही हूँ। इनको हाफ बॉईल करने के बाद मैं ठंडा कर लूँगी, ठंडा करने के बाद मैं फटाफट इसको फ्रिज में रख लूँगी क्योंकि 12:30-1 बजे तक बनाऊँगी, तब तक फ्रिज से ये बहुत ही अच्छे मतलब एकदम मस्त बन के निकलेंगे। तो इसीलिए जो भी बोला मैंने, क्या बोला मुझे भी याद नहीं है, तो जो भी है आप इसमें बना रहे चाउमिन। और आज आपके लेके आने वाली हूँ ये चैलेंज, तो आई होप कि पसंद आएगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दिया करो। फिलहाल मैं नहा लिया, ये टी शर्ट थी मेरी ऐसी बाहर पहनने के लिए, बहुत ही हल्की है गर्मियों के काम के लिए, लेकिन अब मैं घर में पहनने लग गई इसको क्योंकि घर के लिए भी टी शर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था घर के लिए कपड़े मंगाना है मुझे। अब ये मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि ऑर्डर उसको ऑर्डर करने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता बिल्कुल इतना, थोड़ा सा भी कुछ होता नहीं है, कभी छोटी रोने लग जाती है, कभी बड़ा रोने लग जाता है, और कभी ये कुछ मांगने लग जाते हैं, कभी कुछ, तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो मेरे नूडल जो है अभी ये हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अपना इंडक्शन भी निकाल दिया है, ये देख सकते हो इंडक्शन भी निकाल दिया मैंने अपना। और बस यही है, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, देखते हैं कब। अभी बस ननद आने वाली है, वो नहाने के लिए गई है, नहाने के बाद जैसे आती है उसके बाद हम लोग करेंगे चैलेंज। तरबूज बोलते खरबूज बोलते हैं, मेरे को तो आज तक नहीं, तरबूज चैलेंज, मेरे को तरबूज और खरबूज में इतना 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 वो है, क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूजन, क्या बताओ। अगर आप लोग भी कन्फ्यूज होते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलते हो थोड़ी देर बाद। तो आप देख सकते हो मेरे जो चाउमिन है एकदम, ये बिल्कुल एकदम जैसे मैं चाहती थी वैसे परफेक्ट एकदम पकी है ये, और ज़्यादा नहीं पकी है। अब मैंने ये ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ताकि जब बनाऊँ ना तो एकदम खिले खिले बनते हैं, अगर आप पहले इसको फ्रिज में रख दोगे तो। दोस्तों आज आटा गूंदा है महेंद्र ने, दिखा दो। वैसे शर्म तो नहीं आती है, हाँ यहाँ पर आटा गूंदा जा रहा है, यहाँ पर एक सब्जी बनाने के लिए, सब्जी नहीं चावल बनाने के लिए प्याज और क्या बोलते हैं यार कैप्सिकम काटा जा रहा है, मतलब कि शिमला मिर्च सॉरी। और वहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया क्योंकि मैं नहीं खा पाऊँगी चाउमिन, चाउमिन लोग ये खाएंगे, खाऊंगी थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं खा सकते ना, मैदा है, मैं वो खाऊंगी वरना बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। बस यही है, अब करते हैं काम, हम दिखाते हैं आपको बनाते हुए और वैसे काम करते हुए दिखाते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। चिकू भी स्कूल से आ गया है, उसके हाथ में धो लिया था, उसने अपना होमवर्क भी कर लिया है, कपड़े वपड़े धुल गए हैं उसे स्कूल के, सब कुछ हो चुका है, अब वो आराम से बैठा हुआ है। और बस यही है, बनाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों चाउमिन आ चुकी है, अब मैं इनके लिए चाउमिन बना के करती हूँ एकदम रेडी, दिखाती हूँ आप लोगों को छोटे छोटे शॉर्ट्स, वैसे आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, फिर भी दिखा रही थोड़ा बहुत। क्या बना रही हो भाई, क्या है इसमें? आपको नहीं मैं क्या बना रही हूँ, क्या है नहीं तो? अच्छा बेटा तू कैसे बोल रही हूँ, चाउमिन बना रही हूँ, चाउमिन बना रही हूँ, 8 बजे घर पर चाउमिन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। इसके लिए मैं प्याज और इनको अच्छे से पहले पका लेती हूँ, वैसे लोग सिर्फ सॉटे करते हैं पर मैं पका लेती हूँ ताकि बच्चा भी खा रहा है ना तो अच्छे से खा ले। तो दोस्तों इसको कर रहे हैं अच्छे से मिक्स, आप बताना कि आपको कैसे लग रही है मेरी चाउमिन। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चाउमिन देखो, आप देख सकते हो पूरी बन के रेडी हो गई है, एकदम एकदम मिक्स हो गई है, एकदम बन के रेडी हो गई है। अब मैं दूंगी सबसे पहले मम्मी को, मम्मी को दूंगी सबसे पहले, मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन मम्मी बोल रही है मैं चाउमिन खाऊंगी, इसमें देती हूँ अपनी ननद को, उससे पूछते हैं कैसा टेस्ट है। चलो ननद के पास लेके आ गए, इसे पूछते हैं टेस्ट कैसा है, टेस्ट करके बताओ मुझे, रिव्यू दो। दिखने में काफ़ी अच्छी है, आपके लिए रखा है मैं, रुको ठंडी हो रही है, सच वाला रिव्यू देना झूठ वाला नहीं। सच बता है, मस्त है, मस्त
तो ये खाएंगे अब चाउमीन। अब मैं लेके जाती हूँ चीकू के लिए। ये है मेरा चिकू, थोड़ा कम है, गुस्सा करेगा बट कोई नहीं। चीकू ये है चीकू, बताएंगे खा के कैसा है इनका। चीकू बताओ चाउमीन कैसी है, मम्मा ने कैसे बनाई है, चलो बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, टेस्ट करो, टेस्ट करो कैसी है। अच्छी है तो कैसी है चाउमीन, टेस्टी। आई लव यू बोलो मम्मा को, आई लव यू टू। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है 2 बजे का, हमारा कॉम्पिटिशन होने वाला है एकदम शुरू। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे कट्टा हो गया एकदम रेडी। ये देखो ये आ गया कट्टा, इसमें आ गया है खरबूजे, खरबूजे आए हैं 3। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हमारे खरबूजे, देख सकते हो कट्टे में आ गए हैं। और यहाँ पे ये खरबूजे जो हम लेके आए हैं, 3-3 किलो के हम खरबूजे लेके आए हैं। और ये देख सकते हो एक खरबूजा इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा है। तो 2 जने करेंगे कॉम्पिटिशन, मैं नहीं कर सकती ये कॉम्पिटिशन, मेरा बड़ा मन है कॉम्पिटिशन करने का पर नहीं कर सकती। और 2 जने हैं ये कॉम्पिटिशन करने वाला है। ये पहली खिलाड़ी है, ये है पहली खिलाड़ी, और दूसरा है, दूसरे है। अब देखते हैं कौन जीतेगा, और जो जीतेगा, हम 3 खरबूजे लेके आए हैं, जो जीतेगा उसको 3रा खरबूजा मिलेगा। नहीं, प्राइस के लिए आप वेट एंड वॉच, आईफोन, इसको आईफोन। आप देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, हम कंपटीशन कर रहे हैं, चलो ठीक है ना, कंपटीशन हम कर रहे हैं। खरबूजा लाई हूँ मैं अपने पैसों से, ठीक है, खरबूजा मैं अपने पैसों से लाई हूँ। और जो है क्या बोलते हैं, ये आईफोन मांग रहे हैं, आईफोन मुझे अपने पैसे देना है, सिर्फ इसके मुंह में ठूस दे के मुझे ऐसे देना है 1000 रुपये। तो दोस्तों ये प्लान ही पे। और ये देखो हमारा खरबूजा हो गया रेडी, आप देख सकते हो। और ये कितना बड़ा है, लल्ले लिया कितना बड़ा, देखो 3, ओ माय गॉड, दीवा प्लीज देखो 3। और जो उसने सर पर रखा हुआ ये खरबूजा, हम जो जीतेगा उसको देंगे, और जो अगल बगल है ये एक लेंगे, मैं देती हूँ ना आप लोगों को, चलो पूरा अपना खरबूजा ये दिया मैंने इसको, ये खरबूजा होगा ये खाई भी, और ये तो हम मिलते हैं इनको 1 मिनट में कट करने के बाद आप लोगों से, पहले इनको कर लेते हैं कट ताकि खाने में हो सबको आसानी। तो दोस्तों यहाँ पे खरबूजे काटने की तैयारी चल रही है, ये है खरबूजा इसका, और ये है मेरे हस्बैंड का, चलो देखते हैं आज तो कॉम्पिटिशन हो ही जाए भाई। ये कंपटीशन कर रही है, इसे कटा नहीं जा रहा है, इससे ला मैं काटूं, हट जा रहे हाथ ना, ऐसे नहीं, एक गुजरा पे कच 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 करके निकाल। दोस्तों कटेंगे फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी, वरना ये पूरा व्लॉग ही, पूरा वीडियो इसी में निकाल देंगे। देखो दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब भी भाई बहन में कंपटीशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ भाई ही जीते हैं, बहन जीती है। क्या था, अब भी देख लेना। हाँ देखते हैं कौन जीतता है। ये खरबूजा तो मेरे पास है ही आपके लिए इनाम के लिए। वो तेरा ही है, मेरा है, तो अपने पास खाने वो तेरा ही है, मेरा है। अच्छा ये इनके पीछे से रखो, हां तो मुझे अपने पीस करके, अपने प्लेट में रखो, तो अपने पीस करके, हां सॉरी, ये खरबूजे के पीस करके अपने प्लेट में रखो। तो दोस्तों यहां पे आ गए हमारे खरबूजे, आप देख सकते हो यहां पे रखना है बीज, ये है खरबूजे 3-3 किलो का, एक एक खरबूजा है 3 किलो का, ये 3 किलो का, ये आप देख सकते हो दोनों के बराबर पीस है, बिल्कुल किसी में भी वो नहीं है कि इसमें ज़्यादा इसमें कम है, बिल्कुल बराबर कर रखा है मैंने। ये खरबूजा उसको मिलेगा जो जीतेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे हम पैसे कमाते नहीं है तो हम पैसे लगाएंगे नहीं, ओके। तो हम करते हैं चीज़ों का, तो फिर जो जीतेगा उसको मिलेगा ये। और इसके रूल्स सुन लीजिए तुम दोनों के दोनों, जो जो ये खरबूजा खाएगा अपने अपने खरबूजे खाने के बाद उसको अपने अपने साइड करोगे, ठीक है, ताकि क्या, ताकि पता लगे किसने कितने खरबूजे खाए हैं, ठीक है। टाइम लिमिट होगी 3 मिनट, 3 मिनट में जिसने सबसे ज़्यादा खरबूजा खाया होगा, जिसके सबसे ज़्यादा काउंट करने में आएंगे वही जीतेगा, ओके। तो पहली बार हम करने जा रहे हैं ये चैलेंज, देखते हैं कि ये चैलेंज कैसा होता है। तो मैं लगाऊंगी एक सेकंड, अभी से नहीं, टाइमर लगाना बाकी है भैया, पहले टाइमर लगाते फिर आप लोग खाओगे। तो दोस्तों 1 सेकंड, टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ अभी, टाइमर स्टार्ट करते हैं, ये है स्टार्ट बटन, 3 मिनट का मैं टाइम रखा हुआ है, ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, और हमारी वॉच भी स्टार्ट, अब स्टार्ट, देखते हैं। टाइमर यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या इतने आराम से खा रहे हो तुम लोग यार, हो गया, देखो तमीज है क्या आई, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, चलो देख लेते हैं कौन जीतेगा। कितना खा रहे हो यार तुम, कितने आराम से खा रहे हो, हाँ हाँ पूरा खाओ पूरा खाओ, ये क्या लाल लाल छोट रखा है, जल्दी आप दोनों को देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं भुक्कड़, जैसे जन्मों जन्मों से खाना ना मिला हो,
माही प्लीज यार जल्दी जल्दी यार, तुम तो ये क्या बदतमीजी है, ये नहीं चलेगा, ये सफाई उसके बाद तुम्हें सफाई भी करनी पड़ेगी खाने के बाद, ये नहीं चलेगा, जल्दी करो जल्दी करो। अब टाइम जा रहा है, टाइम यहाँ पे एक मिनट का हो चुका है, एक मिनट का टाइम हो चुका है, ओनली 2 मिनट लेफ्ट, जल्दी करो। अबे यार इनसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता है मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा इसके बाद। दोस्तों तुम्हें लगता है कि ये 3 मिनट में खा पाएंगे इसको? कभी नहीं। खाली हो गया, खाली हो गया, हाँ खाओ खाओ, देखती हूँ क्या इनसे हो नहीं, ये इनको आता ही नहीं है। तो दोस्तों टाइम दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे 2 मिनट होने वाले हैं, जल्दी खाइए भाई साहब, क्या क्या इतनी देर क्या लगा रखी है, जल्दी दीपा प्लीज जल्दी जल्दी दीपा, ओके चलो जल्दी 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 जल्दी, टाइम सिर्फ 2 मिनट का, ओ 2 मिनट हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हो लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, तो देखते हैं कौन किस तरह कितना खाता है और कौन जीतता है ये कॉम्पिटिशन। तो जल्दी खाइए दीपा जी, तो देखते हैं कॉम्पिटिशन कौन जीतता है ये। तो ये आप देख सकते हो टाइम यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रूट खा रहे हैं, कौन जीतेगा? ओ माही तेरे से ज्यादा तो उसने खाए हैं, तीन मिनट होने वाले हैं, यहाँ देख सकते हो अब 3 मिनट हो चुके हैं, कौन जीता है यहाँ पे कंपटीशन? ओ कंपटीशन देते हैं लास्ट महेंद्र जी, 5 आप साइज देखिए मैडम साइज, ये तो है महेंद्र, आप नहीं जीते कंपटीशन क्योंकि आपने आधा उसमें छोड़ रखा है और इसने जो खाए हैं ये जीतेगी कंपटीशन, साफ साफ माना जाएगा। तो ये महेंद्र यहाँ पे कंपटीशन हारते हैं और जीतती है दीपा ये कंपटीशन। तो दीपा को आप दे दीजिए अपने हाथों से प्राइज, अपने हाथों से प्राइज दीजिए। ओ कैसा लगा आपको? मजा आया। और ये प्लेट जो आपने ये शो ऑफ के लिए दिखाई थी कि हम बीज इसमें रखेंगे, इसके बीज कहाँ हैं? बीज हमारे पेट में हैं। तो दोस्तों मैं आपको कैसा लगा ये वाला चैलेंज आप बताना, और हमको क्या क्या चैलेंज करने चाहिए वो भी आप मुझे बता देना, हमको क्या क्या कॉम्पिटिशन करने चाहिए वो बता देना, जो मुझसे हो पाएगा मैं भी वो कॉम्पिटिशन जरूर करूँगी। फिलहाल ये अभी भी यहाँ पे खा रहे हैं पर अब बहुत आराम आराम से खा रहे हैं, फास्ट खाना नहीं खा रहे हैं, तो अब मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं नहीं खा सकती, लेकिन जितना भी खा सकती हूँ मैं खा लेती हूँ। और हाँ अगर आपको मेरा जो ये आज का चैलेंज अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जो बताना कि हमें और भी क्या क्या चैलेंज करना चाहिए ताकि हमको पता लगे हमें क्या चैलेंज करना चाहिए है कि नहीं। और बस यही है, अब आपको कौन सा चैलेंज चाहिए? हम सोच रहे हैं सेकेंड चैलेंज जो आएगा हमारा वो आएगा गोलगप्पे का, अगर आपको देखना है तो प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताना, मैं भी लेती हूँ इसके बाइट, फिर आपसे बात करती हूँ। बहुत मज़ा आया रे, गाइस आप भी ये चैलेंज लीजिए, हेल्दी चैलेंज है, अच्छा चैलेंज है, सुन लिया आपने? तो ये बहुत ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा, खाते हैं फिर आपसे बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फेस में मैंने फेस मास्क लगा रखा है, मैंने और मेरी ननद ने, और ये फेस मास्क का है घर के क्या बोलते हैं उनको, होम रेमेडी है, और इसमें मैंने मिक्स कर रखा है हल्दी पाउडर और एक पिंच पर घर की गाँव की हल्दी थी पिसवा रखी है वो हल्दी, हनी, कॉफ़ी और बेसन, ये सब मिक्स करके मैंने फेस पे लगा रखा है। तो अब ये सूखेगा, मतलब कम से कम 20 मिनट रखूँगी, उसके बाद सूख जाएगा तब जाके मैं अपने फेस वॉश करूँगी। तो इस वाले ब्लॉग में यही पेंट करते हैं, खाना वाना सबने खा लिया, दूध गर्म करके रखा हुआ है, जैसे सब मुँह धो लेंगे फिर दूध पिएंगे, तो इस वाले ब्लॉग में यही पेंट करती हूँ। आई होप कि हम आपको लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो ब्लॉग आप तक पहुँच सके। तक टाटा बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको जो आज का मेरा व्लॉग था मतलब कि चैलेंज था वो पसंद आएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।